देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मैं ट्रेन के गेट पर खड़े होकर सिगरेट ही फूंक रहा था कि ट्रेन एकदम से रुक गई। मैं ट्रेन के गेट से अपना सिर बाहर की तरफ निकालते हुए झांक कर देखा कि सिग्नल ग्रीन ही है, फिर ट्रेन क्यों रुक गई। मैं अभी यही सोच रहा था कि मेरी नज़र ट्रेन से थोड़ी ही दूर पड़े एक लाल बैग पर पड़ी जिसके बाहर नोटों की गड्डियां बिखरी हुई थी। नोटों की गड्डियों पर नजर पड़ते ही मैं तुरंत ही ट्रेन से नीचे उतरा और फिर उस लाल बैग के पास पहुंचा। वहां पर बहुत सारे नोटों की गड्डियां फैली हुई थी। वो इतनी सारी थी कि मैं उन्हें अपने हाथों में समेट नहीं सकता था। लिहाजन मैं उसी लाल बैग में उन सभी नोटों की गड्डियों को भरने लगा और कुछ ही देर में मैंने वो सारी नोटों की गड्डियां उस लाल बैग में भर लें और वापस ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन में वापस चढ़ने के बाद मैं अपनी बर्थ पर गया, मगर जब मैं अपनी बर्थ पर पहुंचा तो पाया कि मेरी बर्थ पर कोई और पांव पसारे लेटा हुआ है। मैंने उसे हाथ लगाते हुए कहा, अरे ओ भाई, ये मेरी सीट है, तुम यहाँ पर कैसे लेट गए? मैंने इतना बोला ही था कि वो आदमी अपनी आंख मचलते हुए उठा और फिर अपने गले में लटक रही ऐनक को पहनते हुए बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो मेरी सीट को अपनी सीट बता रहे हो? अभी सीट को लेकर हम दोनों के बीच तू मैं हो ही रही थी कि मेरा ध्यान बाकी के पैसेंजर्स पे गया। वो सभी के सभी बदले हुए थे, मतलब कि जब मैं ट्रेन में चढ़ा था तो ये सारे पैसेंजर्स नहीं थे। पैसेंजर्स के बाद मेरा ध्यान ट्रेन की सीट पर गया जो अभी बदले हुए थे। मुझे ये समझते देर नहीं लगी कि ये मेरी ट्रेन नहीं है। तभी मैंने तुरंत ही मेरे साथ झगड़ रहे आदमी से माफ़ी मांगी और वो लाल बैग लिए ट्रेन के गेट पर पहुंचा। क्योंकि अब ट्रेन चल रही थी तो मैं उतर नहीं सकता था। साथ ही मैं ये सोच सोच कर मरा जा रहा था कि आखिर वो ट्रेन कहाँ चली गई जिससे मैं उतरा था। मैं उस पैसे से भरे लाल बैग को पकड़े अगले स्टेशन के आने का वेट ही कर रहा था ताकि स्टेशन आते ही मैं इस ट्रेन से उतर जाऊं। मैं अभी ट्रेन के रुकने का ही वेट कर रहा था कि पीछे से एक आदमी आया जो दिखने में थोड़ा पागल सा लग रहा था। तभी वो मुझसे बोला, ओ अब तुम्हारी बारी है, और उस बैग को घूरता हुआ वहां से चला गया। मुझे समझ नहीं आया कि अब तुम्हारी बारी है से उसका क्या मतलब था। तभी मुझे ऐसा लगा कि ट्रेन स्पीड में तो चल रही है मगर एक ही जगह से बार बार गुजर रही है। फिर जब मैंने गौर से बाहर की तरफ देखा तो पाया कि ये वही जगह थी जहां से मैंने ये लाल बैग उठाया था, मतलब कि ट्रेन अभी भी उसी जगह पर थी। ये जानते ही मैं अंदर ही अंदर बेहद घबरा गया। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। तभी ट्रेन की अगली बोगी से कुछ शोर की आवाज़ सुनाई दी। उनकी आवाज़ों से ऐसा लग रहा था कि कोई कुछ ढूंढ रहा हो। जब मैंने एक नज़र उस बोगी पर जाकर देखा तो पाया कि कुछ वर्दी वाले लोगों के सामान की तलाशी ले रहे हैं। वो किसी लाल बैग की भी जिक्र कर रहे थे जिससे मैं बहुत डर गया और उन वर्दी वालों से बचने के लिए उस बोगी से भागकर ट्रेन के सबसे पीछे वाली बोगी में चला गया। मेरे हाथ पैर डर के मारे कांप रहे थे, मेरा दिल भी जोरों से धड़क रहा था। पता नहीं अब क्या होने वाला था मेरे साथ। मैं ट्रेन के गेट पर खड़ा बस यही सोचे जा रहा था कि तभी वही पागल आदमी एक बार फिर मेरे पास आया और उस लाल बैग को घूरता हुआ बोला, अरे ट्रेन से कूद जाओ नहीं तो तुम हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ ही रह जाओगे। उसकी बातें सुनते ही मुझे यकीन हो गया था कि वो सच में ही पागल है, भला चलती ट्रेन से कौन कूद सकता है। इस पर मैं उस आदमी से बोला, अरे पहले ट्रेन को तो रुकने दो फिर उतर जाऊंगा। इस पर वो आदमी बोला, अरे अब ये ट्रेन कभी नहीं रुकेगी। उसकी बातें जितनी अजीब थी उतनी ही डरावनी भी। कुछ तो सचमुच गड़बड़ जरूर थी इस ट्रेन के साथ। इसी बीच वो वर्दी वाले भी उस आखिरी बोगी में आ पहुंचे और मेरे हाथों में वो लाल बैग देखते ही वो सारे के सारे मुझे पकड़ने के लिए मेरी तरफ झपटे कि तभी उस पागल आदमी ने मुझे ट्रेन से धक्का दे दिया
और मैं उस बैग के साथ चलती ट्रेन से नीचे गिर पड़ा। मेरे गिरते ही मेरी आंखें बंद हो गईं। फिर जब मेरी आंखें खुलें तो मैं ठीक उसी जगह गिरा पड़ा था जहां से मैंने वो बैग उठाया था। अभी भी वो सारे पैसे ठीक उसी तरह पड़े हुए थे जैसे कि पहले पड़े हुए थे। तभी मुझे एक आवाज आई, अरे भाई बाहर क्यों चले गए थे, आओ ट्रेन खुलने वाली है। जब मैंने उस तरफ देखा तो पाया कि सामने एक ट्रेन खड़ी है। हालांकि मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही थी उस ट्रेन में चढ़ने की, मगर जब मुझे उस आदमी का चेहरा दिखा तो मुझे यकीन हो गया कि यह मेरी ही ट्रेन है, क्योंकि वो आदमी मेरे साथ ही ट्रैवल कर रहा था। मेरी ट्रेन में चढ़ते ही ट्रेन खुल गई और ट्रेन के खुलने के बाद जब मैं टॉयलेट करने गया तो मुझे वहां पर एक आदमी मिला जो बहुत ही गंदा था। उसने मुझसे कहा, अच्छा हुआ तुमने वो लाल बैग छोड़ दिया, नहीं तो तुम हमेशा हमेशा के लिए उसी ट्रेन में फंस जाते। उस आदमी की ये बात सुनते ही मैंने उस आदमी से पूछा, तुम्हें कैसे पता उस लाल बैग के बारे में? तो इस पर उस आदमी ने कहा, एक बार मैं भी उस लाल बैग के पैसे के लालच में आ गया था और मैं भी उसी ट्रेन में फंस गया था जहां उन वर्दी वाले भूतों ने मुझे पकड़ लिया था। दरअसल बहुत पहले उस ट्रेन को कुछ डकैतों ने लूटा था जिसमें उन सभी ट्रेन के सवार यात्रियों को मार दिया गया था, मगर वो सारे डकैत ट्रेन से उतरते ही अपने आप ही मर गए और उनके वो लूटे हुए पैसे वहीं ट्रैक पर ही गिर गए। और उसके बाद से जिसे भी वो लाल बैग दिखता है तो उसे वो ट्रेन सजा देती है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना है, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।